हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। अज आप लै के आए हैं जो अपने पहला लहंगा चोली की वीडियो पाई है, वो कुछ पार्ट मिस हो गए सी। वो कटाई किमें करनी है, उसकी कटाई तो जे कर तो उस तो अगे की वीडियो जी तो लिंक मिल जूगी डिस्क्रिप्शन। ये आपने जो चोली बनाई है वो साइड से जिप लगानी है, तो इसकी कटाई अपने किस तरह करनी है उसका की मेजरमेंट है। ये देखो अपने को पहला ही लहंगा बनया हुआ वा, तो आपने इसकी चोली बनानी है। ये आपने देखो ये बिल्कुल मैच करते एक पैच लवेंगे, तो ये एक मीटर कपड़ा वा जिसकी आपने चोली बनानी है, अस्तर का कपड़ा वा। तो ये आपने मैचिंग लैस ली है, ये देखो ये आपने पैच लिया वा, ये बिल्कुल लहंगे मैच करता वा, ये लगावे आप। इसकी कटाई देखो किस तरह करनी है, आ देखो इसका नाप हैगा वा 16 इंच, आपने 16 इंच लंबाई रखनी है, दोनों साइड में 16-16 इंच का निशान लावे, क्योंकि रेडी रह जानी अपनी 15 इंच, अद्धा इंच उपर सिलाई आ जाना, अद्धा इंच नीचे। आपने देखो इस तरह बिल्कुल सीधी इस तरह लाइन लगा लेंगे। ये लाइन लगाने तो बाद फिर आप इसका तीरे का नाप लवेंगे, ये देखो 6 इंच तीरे का नाप है, तो नीचे भी अपने 6 इंच लेना वा। इसका 6.5 इंच हैगा मोढ़ा, जो अपने मोढ़े की गलाई, देखो अपने निशान लगा रहा। उस तो बाद आप इस तरह सीधी लाइन लगावे जो मोढ़े की गलाई पानी है। इसकी फिटिंग हैगी है जो ब्रेस्ट तो हैगा वा 38 इंच, तो उसका चौथा पार्ट बन जूगा अपना हाफ हो गया 19 इंच, 38 का 19 का हाफ हो गया 9.5, कमर 32 है, 32 का अद्ध हो गया 16, तो 16 का अद्ध हो गया 8 इंच। आपने 8 इंच लगाना कमर का नाप, तो 9.5 इंच लगाना वा ब्रेस्ट का नाप। इतों अपने 1.5 इंच तो गलाई पानी है, तो हम अपने इस कट देंगे 2 इंच मार्जिन रखे जोड़ा वो रख के इसकी कटाई कर देवे। देखो अपने इस तरह कट देना वा, वैसे तुम जेकर इसकी अगली वीडियो भी तुम्हें यदा लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जूगा, थंबनेल सेम होगा। ये देखो आपने इस कटता वा, हूँ आप बराबर तो कटांगे दूजा पार्ट भी, 1 मीटर कपड़े बन जाता वा। जेकर तुम इसकी बांह पूरी करनी है तो तुम 1.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। तो इसकी वीडियो अगला पार्ट देखने लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जूगा। वीडियो देखने लिए धन्यवाद, पहला पार्ट मिस हो गए सी, थैंक यू।